भगवान राम की नगरी में भव्य रामलला का बहुप्रतीक्षित मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया है। भगवान रामलला को जनवरी 2024 में मंदिर में विराजमान कराया जाएगा, जिसको लेकर देश और दुनिया के राम भक्त राम नगरी में पहुंचेंगे। भगवान रामलला के धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने और ठहरने जैसी तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट तैयारियों में जुट गया है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठान में आने वाले राम भक्तों के लिए मंदिर और मूर्तियों के शहर में मठ मंदिरों ने भी अपने द्वार खोल दिए हैं। राम नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए खाने रहने जैसी मूलभूत सुविधाओं की अभी से मठ मंदिरों में तैयारी शुरू कर दी है। कहीं पर 10,000 राम भक्तों के रुकने की व्यवस्था है और उनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है, तो कहीं 5,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की जा रही है, जिसकी जैसी क्षमता जैसे मंदिर में जगह उसके अनुरूप ही मठ मंदिरों साधु संत और महंत तैयारी कर रहे हैं। परमहंस आचार्य ने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठान महोत्सव को लेकर पूरे अयोध्या में अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। अयोध्या के सारे होटल फुल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठान महोत्सव में पूरे देश के राम भक्त अयोध्या में होंगे। ऐसी स्थिति में राम भक्तों के रहने खाने और पार्किंग की व्यवस्था के लिए संत समाज अभी से आगे आ गया है। परमहंस आचार्य ने कहा कि अयोध्या में सबसे पुरानी छावनी तपस्वी छावनी है। यहाँ पर 10,000 लोग एक साथ रह सकते हैं। हम रामलला के प्राण प्रतिष्ठान महोत्सव के लिए 10,000 राम भक्तों के खाने रहने की निःशुल्क व्यवस्था कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के पूरे अयोध्या में अभी से जितने होटल्स हैं कमरे सब बुक हो चुके हैं और देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि प्रवासी भारतीयों के आने की भी संभावनाएं हैं। तो इसलिए अब जो लोग आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने रहने एवं पार्किंग की समुचित व्यवस्था कैसे हो, उसको लेकर के जितने हम सभी साधु संत अयोध्यावासी हैं हम लोग स्वयं प्रयास करेंगे। जैसा कि अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी श्री तपस्वी जी की छावनी है, 250 कमरे हमारे स्थान में हैं, कई बड़े बड़े हाल हैं और गाड़ी पार्क करने की भी बड़ी बड़ी जगह हमारे पास है। तो 10,000 लोगों को खाने पीने रहने की एवं पार्किंग की निःशुल्क सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। और भी जो साधु संत धर्माचार्य हैं उनसे भी मैं अपील करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को समुचित व्यवस्था सुविधा दें। अयोध्या के जितने भी मठ मंदिर हैं जहां उनके पास जगह है वह सब दिए जाएंगे और उसमें व्यवस्था किया जाएगा, रहने का खाने का सब कुछ। इसलिए यहाँ जो भी आएंगे किसी को कोई भी समस्या न हो खाने पीने रहने की और दर्शन की। इसलिए वो अयोध्या के लोग सभी के सभी मठ मंदिर एकदम सतर्क हैं और यह उन भक्तों के लिए अपने दरवाज़ा खोल दिए हैं और निश्चित है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जिस मंदिर में जितने लोगों की रहने की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाएं उनके वहाँ रहने किया जाएगा और भोजन की रहने की और साथ साथ वहाँ से दर्शन जाने की ये सारी व्यवस्थाएं हमारे समग्र अयोध्या के मठ मंदिर और संतों ने इसके लिए पूर्णतया तैयारी किया है। अयोध्या जी में जो 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गर्भगृह में अपने भव्य महल में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, इस अवसर पर बहुत से राम भक्त असंख्य राम भक्त अयोध्या आने वाले हैं। अयोध्या आने वाले सभी राम भक्तों का हर मंदिर के तरफ से हर आश्रम के तरफ से हर साधु संतों के तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और उनके लिए यहाँ हर आश्रम में और इस शत्रुघ्न निवास आश्रम में भी उनके रहने खाने और सब प्रकार की जो सुविधा है वह निःशुल्क रूप से रहेगी।